आपने श्रीवास्तव, जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। जैसा कि हम बच्चों को यूज़ ऑफ एंड की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो यूज़ ऑफ एंड हमने बच्चों को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमने जो यस्टरडे होमवर्क किया था, आज हम उसको रिपीट एक बार और होमवर्क देंगे बच्चों को। तो आज कुछ डिफरेंट वर्ड्स हैं जो बच्चों को यहाँ पर एंड का यूज़ करना है। तो जैसे ए ब्रश एंड ए टूथपेस्ट, ए बॉय एंड ए गर्ल। क्या भरना है बच्चों को यहाँ पर? ए एंड डी एंड। हम किसका यूज़ करना बच्चों को सिखा रहे हैं? हम बच्चों को ए एंड डी एंड का यूज़ करना सिखा रहे हैं। एंड इज ज्वाइन टू वर्ड्स, टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दो शब्दों को जोड़ता है एंड। तो ए ब्रश एंड ए टूथपेस्ट, एक ब्रश और एक टूथपेस्ट है। इसी तरह से ए बॉय एंड ए गर्ल, ए हैन एंड ए चिक्स, ए बैट एंड ए बॉल, ए बॉक्स एंड ए पेंसिल, ए पेन एंड इरेजर, ए कॉम एंड ए मिरर, ए बुक एंड ए कॉपी, ए मैट एंड ए हैट, ए पिलो एंड ए ब्लैंकेट। सो अब यहाँ तक हमने समझा दिया। अब हम बच्चों को कुछ इस एक्टिविटी को, आप एक्सरसाइज को किस तरह से कराएंगे। जैसे यहाँ पे आपको टू पिक्चर्स मेक कर देनी है। अब इस वर्ड, इसको बच्चों को खुद अपने आप इस वर्ड को मेक करना है। जैसे कैसे बच्चे इस कंप्लीट करेंगे, जैसे कि ए कैट, यहाँ पे वन कैट है, तो क्या करेंगे हम? ए का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ए और ए कैट, ए कैट एंड ए एंड डी एंड ए लॉयन, ए कैट एंड ए लॉयन। तो यहाँ पर एक कैट है और एक लॉयन है। तो इसी तरह से आप पिक्चर्स मेक कर देंगी। पिक्चर्स उसी की मेक करेगा जिसकी स्पेलिंग बच्चे जानते हों। तो यहाँ पर मैंने बॉय और गर्ल की स्पेलिंग अब मेरी डॉटर जानती है, तो वो सिंपल वे में राइट कर सकती है, ए बॉय एंड ए गर्ल, ए ब्रश एंड ए टूथपेस्ट, ए बॉक्स एंड ए पेंसिल, ए कॉम एंड ए मिरर। तो इन दिस स्टेप पिक्चर मेक करके बच्चे अपने आप इसको राइट करेंगे। और हम आपको सिर्फ एक बता देना है, जैसे कि जैसे मैंने ये एक्सप्लेन करूँगी, मैं भी अपनी डॉटर को सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद ये सारा वो अपने आप करेगी। तो इसी तरह से आपको भी अपने बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। तो यूज़ ऑफ एंड आज बच्चों को आपको प्रैक्टिस करानी है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़, नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर किसी मॉम्स को प्रॉब्लम हो रही है कि आपके बच्चे आगे बढ़ने पे नहीं जान पा रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से रिवीजन कराने जा रही हूँ कि जहाँ से वन से बच्चों को, अब मैं स्टार्टिंग से लेकर, जैसे मैं स्टार्टिंग में बच्चों को रिवीजन कराती थी अपनी डॉटर को, वैसे ही मैं स्टार्टिंग से लेकर अब अपनी डॉटर को रिवीजन कराऊंगी मैथ में। तो आप इन दिस स्टेप देख देंगे, वन से लेकर टेंथ तक यहाँ देखकर बच्चे राइट करेंगे, इसी तरह से इलेवन से लेकर ट्वेंटी तक यहाँ कॉपी करेंगे। देन आप तब बच्चों को मैच इट करने के लिए देंगे। आप मैच इट में वन इलेवन फोर्टीन एट सिक्स, और इसको बाद बच्चों को इसे मैच करना होगा। तो इसमें से वन को वन फाइंड आउट करके वन से मैच करेगी, इलेवन को इलेवन से फाइंड आउट करके इलेवन को मैच करना होगा। तो आप इन दिस टाइप बच्चों को एज यू कैन सी मैच इट करने के लिए देंगे। देन आफ्टर बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर देंगे, नाइन आफ्टर, इलेवन आफ्टर, ट्वेल्व आफ्टर, फोर्टीन आफ्टर, एट आफ्टर, सेवन आफ्टर, सिक्स आफ्टर, फाइव आफ्टर। तो इन दिस टाइप बच्चों को आज मैथ का होमवर्क देना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को अब हम क्या कराने वाले हैं, हम बच्चों को अब शब्द राइट कराना सिखाएंगे। तो अ से अनार होता है, तो बच्चे को अनार आप राइट करना सिखाएंगी, तो अ से अनार राइट करेगा। इसी तरह से आ से आम, ई से इमली, ई से इंक और ऊ से उल्लू। इसमें हम बच्चे की राइटिंग पर भी ध्यान देंगे, राइटिंग वर्क पे भी ध्यान देंगे, और ये एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और उसकी माइंड में ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा, और उसके लिए ये फॉरगेट, बच्चे इस तरह से अच्छी तरह से इसे सीख करके भूलेंगे जल्दी नहीं। तो आज आप अपने बच्चों को इन दिस टाइप देंगे। बच्चों को आज अक्षर और शब्द दोनों आपको देना है बच्चों को राइट करने के लिए। तो इन दिस टाइप आपको आज का होमवर्क देना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।